साउथ अफ्रीका के खूंखार गेंदबाजों के आगे भी 300 पार स्कोर बनाया, टीम इंडिया ने हाहाकार मचाया। जी हाँ, शानदार शतक विराट कोहली लगा दिया, और उसके बाद भी श्रेयस अय्यर हो या फिर आखिर में जाकर सूर्य कुमार यादव हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, सबने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की और 300 प्लस स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा कर दिया है। So what's up guys, क्या है लोग, मेरे सभी को फाइनली वी और पहला क्लासिक वीडियो, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हमें ये रिएक्शन देना है विराट कोहली के इंस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी पे जो कि उसके पास वापस आ चुकी है। एंड हियर वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम 24 न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स जो कि विराट कोहली की टुक टुक पे कुछ बात होने जा रही है क्योंकि उसने ये सेंचुरी जरा धीरे से बनाई है, बट हियर We have seen that इसमें कुछ चक्के चौके लगे हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिंगल से काम चला गया है। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज कमेंट इन द बिलो सेक्शन। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टुक टुक और मिस्टर लेजेंड क्या सामने आते हैं, बट रिपोर्ट इज द ओनली थिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। ओके, सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साउथ अफ्रीका के खूंखार गेंदबाजों के आगे भी 300 पार स्कोर बनाया, टीम इंडिया ने हाहाकार मचाया। जी हाँ, टीम इंडिया के तीन बल्लेबाजों ने तो भाई आज हाहाकार मचा दिया। शुरुआत रोहित शर्मा ने की थी, उसके बाद शानदार शतक विराट कोहली लगा दिया, और उसके बाद भी श्रेयस अय्यर हो या फिर आखिर में जाकर सूर्य कुमार यादव हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, सबने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों और 300 प्लस स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा कर दिया है। और देखना होगा कि क्या यहां से टीम इंडिया इस मैच को जीतती है और क्या इस वर्ल्ड कप की आठवीं जीत टीम इंडिया को मिलती है। शुरुआत टीम इंडिया की बड़ी अच्छी रही थी, टॉस जीतकर टीम इंडिया ने बल्लेबाजी का फैसला किया था। रोहित और गिल ने शानदार और बहुत तेज शुरुआत दिलवाई थी। हिटमैन शर्मा ने तो बहुत तेजी तूफानी अंदाज में एकदम T20 अंदाज में बैटिंग की और मात्र 24 ही गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से लगभग 170 के स्ट्राइक रेट के साथ 40 बना दिए। इसके बाद शुभमन गिल 24 पर 23 बनाकर आउट हो गए, लेकिन भाई किंग कोहली 49वां शतक आज विराट कोहली ने अपने करियर का लगा दिया है और वो सचिन तेंदुलकर के एकदम बराबर आ गए हैं। कई रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने शतक से बनाए हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली, 77 बनाए, बहुत मुश्किल विकेट था वहां पर, 77 रन बनाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा आखिर में आकर सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा ने जो दीवालीबाजी आतिशबाजी की है ना, उसने मजा दिला दिया। सिर्फ 14 गेंदों पर सूर्य कुमार ने 160 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 बना दिए और रविंद्र जडेजा का स्कोर देखिए 15 गेंदों पर नॉट आउट 29, यानी कि लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ जड्डू ने 29 रन बनाए और इसी वजह से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर में 326 के स्कोर तक पहुंच पाई। एक अकेले विराट कोहली शतकवीर रहे, उन्होंने 121 गेंदों पर 101 नाबाद रन बनाए। और अब इस तरह से मुझे उम्मीद है कि यहां से टीम इंडिया इस मैच को जीतना चाहिए क्योंकि विकेट और फंस रहा है। टीम इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, वो अफ्रीका को फंसाएंगे और टीम इंडिया को ना तो वो रुक पा रही है ना तो वो रुकने का नाम लिए ना वो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि टीम इज इन रॉकिंग फॉर्म नाउ और उसके साथ साथ उसके प्लेयर्स जो है कोई भी धोखा नहीं दे रहा, सबके सब ऑन फायर है। सो दैट्स ऑसम न्यूज एंड स्पोर्ट्स 24 न्यूज 24 स्पोर्ट्स के साथ जो ये रिपोर्ट थी ये काफी एनालाइज्ड रिपोर्ट है और जो कि बेस है सच्चाई पे, तो सच्चाई इज ऑन अ बीट। झूठ तो बहुत लोग बोलते हैं, मुझे सिर्फ कंटेंट में देखने को मिला है कंटेंट में कि टुक टुक सा सीन था, टुक 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 का सा सीन कैसे 121 पे 100 रन्स 101 रन्स इज नॉर्मल यार इन वन डे, दिस इज नॉट टुक टुक, इसमें चक्के लगे, इसमें चौके लगे, इसमें सब कुछ नॉर्मल हुआ है। सो बाय द वे दैट्स इट, विराट कोहली इज नाउ इक्वल टू सचिन तेंदुलकर द रिलीजियस गॉड कॉल्ड इन इंडिया टू द क्रिकेट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर। And here Virat Kohli and Sachin Tendulkar are same with each other, and there the record is going to be announced against Sachin Tendulkar because Virat Kohli is going to cross that 150 in ODIs and make his 50 century. Means 50 centuries in one day. Guys, if you are new to the channel, please like and subscribe to the channel. Please comment below. See you guys in the next video. Time. Bye bye.